दौड़ी जीवन शैली में आम लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं। ऐसे में एक बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम की जरूरत लोगों को पड़ती है। तो राजधानी रांची के टूपूदाना में देवनिका हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया गया, जो नए उपकरणों से लैस है। तो वहीं डायरेक्टर अनंत सिन्हा के नेतृत्व में एक बेहतरीन टीम भी रांची वासियों के लिए उपलब्ध रही। तो मौके पर रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से रूबरू होते हुए देवनिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनंत सिन्हा ने कहा कि हॉस्पिटल जनता के सुविधा के लिए निर्मित की गई है और वाजिब दामों में उचित इलाज भी उपलब्ध रहेगी। आप ही काटेंगे सर, और क्या साथ में सर एक अंदर हम चले जाएंगे। हम लोग आपको मेन हॉस्पिटल दिखाएंगे, ठीक है। वर्तमान के व्यस्त जीवन में आम लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसी के लिए डॉक्टर्स से विचार विमर्श करना बेहद आवश्यकता जरूरत हो जाता है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है अनंत सिन्हा जी। अनंत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज एक नए अस्पताल का उद्घाटन किया गया, आप डायरेक्टर हैं, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है कि झारखंड के लोगों को एक तरह से सेवा कर सके, क्या कुछ संदेश रहेगा? और हम फैसिलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे हॉस्पिटल्स को। हम लोग 15 साल पहले से देवकमल हॉस्पिटल चला रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, प्राइवेट में नंबर 1 सर्जिकल सेंटर है। हम महीने के 350 ऑपरेशन वहाँ करते हैं, जो प्राइवेट में और कहीं नहीं होता। इसी से हम लोग थोड़ा उत्साह हमारा बढ़ा, जो फैसिलिटी हमारे पास वहाँ नहीं थी, कार्डिया की, न्यूरो की, नेफ्रो की, प्रॉपर आईसीयू की, हम लोगों ने इस जगह पे उसको स्थापित किया है। आज रांची और पूरे झारखंड का ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 250 बेड हैं, और कैंसर रेडिएशन जो कहीं भी हो सकता है उसके अलावा सारी सुविधाएं हमारे पास इस हॉस्पिटल में हैं, नंबर 1। नंबर 2 है, जो करने वाले, जो इलाज करने वाले लोग हैं, वो सबसे कुशल डॉक्टरों में से एक हैं। यहाँ कोई ऐसे ज्वाइन नहीं करता, हम उनको इनवाइट करते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, जिनका बढ़िया काम होता है, और जो मरीजों के प्रति कुछ एक संवेदना रखते हैं, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया है। पैसे सब डॉक्टर कमा रहे हैं, हम सही तरीके से कमाएंगे, और 250 बेड में से कम 90 बेड हमारे आईसीयू के हैं, जिसका चार्ज 5,000 से 8,000 के बीच रहेगा पर डे, और 65 जनरल वार्ड बेड्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आयुष्मान, ECHS, CGHS, ESI जितने भी गरीब मजदूर हैं, जितने भी लोअर तबके के लोग हैं, वो बिना झिझक, बिना डर के देवनिका हॉस्पिटल में आप प्रवेश करके अपना इलाज करा सकते हैं। सर, देवनिका हॉस्पिटल का जब हमने दौरा किया तो इसमें एक अलग चीज़ देखने को मिली। अमूमन आमतौर पर हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं ब्लड बैंक, लेकिन यहाँ पे स्किन बैंक हमने देखा है, इसकी क्या कुछ आवश्यकता आन पड़ी है? ब्लड बैंक भी हमारे पास 2 महीने में आ जाएगा, मिला नहीं लाइसेंस। स्किन बैंक वो होता है जहाँ पे, जैसे आप लोग सुने हैं किडनी विडनी का भी प्रॉब्लम होता है, जले हुए मरीजों के लिए, या जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो बहुत ज़्यादा जिनका स्किन लॉस हो जाता है, वो टेम्प्ररी कवर के हिसाब से यूज़ किया जाता है। हम अपने ही मरीजों का जो डेथ बेड पे होंगे, जिनका जो ब्रेन डेड होंगे, उनके लोगों से रिक्वेस्ट करके उनका स्किन निकाल के रखेंगे और इन मरीजों के ऊपर लगाएंगे। ऐसा देखा गया है कि एक बिजी सर्जिकल सेंटर में, जहाँ अच्छे तरह से काम चल रहा हो ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, स्किन बैंक से आप महीने में 2 या 3 वो एक्स्ट्रा मरीज बचा सकते हैं जो आम तौर पे आप नहीं बचा सके। सर, जब एक मरीज आम तौर पर आता है हॉस्पिटल डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, वो सबसे पहले व्यवहार भी देखता है,
हमने देखा है कि आपका व्यवहार बहुत कुशल है, कहीं ना कहीं यह फ़ायदा पहुंचाएगा झारखंड के लोगों को और इलाज के दौरान। कि व्यवहार आपका तभी अच्छा होगा जब आप खुद अपने काम में कुशल होंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका व्यवहार भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे गर्व है कि मैं अकेला ही नहीं, जितने भी मेरे यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर हैं सब के सब व्यवहार कुशल हैं। हमारे यहाँ कॉरपोरेट बॉडी नहीं है, आप जान जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है, मरीज़ और डॉक्टर के बीच में कोई नहीं आता।